नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती है, एक ऐसी छाप जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। जय जवान जय किसान, ये नारा उस शख्सियत को अर्पित है जिसने किसानों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, साथ ही साथ ऐसे कई अभियान थे, नमक सत्याग्रह से लेकर आज़ादी की तमाम लड़ाइयों में उस स्वतंत्रता सेनानी की एक अहम भूमिका रही। आज उस शख्सियत की पुण्यतिथि है जिसको लेकर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या था उनका इतिहास। साल 1966 का वो दौर जब लाल बहादुर शास्त्री जी का इंतकाल हुआ था। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका ताशकंद में इंतकाल हुआ था। उनकी मौत की वजह उस वक्त हार्ट अटैक था, लेकिन उनके परिवार का कुछ अलग ही कहना था। उन्होंने उनकी मौत को मौत न बताकर, असामान्य मौत न बताकर उसे एक हत्या बताया है, जो कि आज भी एक बड़ा रहस्य बनी है। शास्त्री जी की मौत जो ताशकंद में हुई थी, ताशकंद समझौते के एक दिन पहले जब समझौता हुआ, उसके बाद शास्त्री जी की मौत हो गई, जो कि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है बचपन बचाओ आंदोलन से। बाल मजदूरी जो समाज में आज भी अभिशाप है, बाल मजदूरी जिसका कि आज भी विरोध होता रहा है, उस वक्त के दौर में बाल मजदूरी का विरोध करने वाले एक शख्स जिनको आज भी एक अलग ही मुकाम पे लोग जानते हैं, देश नहीं बल्कि विदेशों से भी उन्हें सम्मान मिला है। आइए जानते हैं उस शख्सियत के बारे में और उनके इतिहास के बारे में। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। अक्सर सड़कों पर कभी जूते पॉलिश करते हुए या चाय की दुकान पर या फिर सड़क के किनारे कुछ न कुछ बेचते हुए आपको कोई बच्चा जरूर दिखा होगा। इनको हम क्या बुलाते हैं, छोटू ना? छोटू जो असल मायने में छोटू ना होकर बल्कि अपने घर के लिए बड़े होते हैं, वो बड़े जिनके ऊपर पहाड़ जैसी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनका पूरा परिवार उन पर निर्भर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई ना जाने पीर पराई।
बोलना सभी के लिए आसान है, हम यहाँ बाल मजदूरी को ना तो बढ़ावा दे रहे हैं और ना ही इसका समर्थन कर रहे हैं। हम बस उनके जीवन पर एक रोशनी डाल रहे हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं, वो बच्चे जो संघर्ष से लड़ते लड़ते समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, भूख जालिम होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि सड़क किनारे कुछ न कुछ बेचते हुए उन बच्चों को, जिनका नाम ना पता होने की वजह से अक्सर उन्हें छोटू बुलाया जाता है। ए छोटू, जरा यहाँ आना, ये कैसे दिया? इसी तरह से बुलाते हैं ना हम अक्सर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त, मॉल से कपड़े खरीदते समय मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते हैं। लेकिन बात अगर वहाँ गरीब से कुछ खरीददारी की जाए तो यहाँ पर हम तोल मोल ज़रूर करते हैं, या यूँ कहें इस कदर तोल मोल करते हैं कि अगर फ्री भी मिल जाए तो भी ज़्यादा बेहतर है। देश में आज भी बाल मजदूरी कायम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, और उन्हीं में से एक है कैलाश सत्यार्थी। साल 1980 का वो दौर जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर साल 1983 में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और बचपन बचाओ जैसे बड़े आंदोलन की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी। आज उनका 68वां जन्मदिन है। साल 1954 का वो दौर जब मध्य प्रदेश के विदिशा में उनका जन्म हुआ था। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कई बच्चों को एक नया जीवन दिया, कई बच्चों को मानव तस्करी बदुआ मजदूरी से छुटकारा दिलाकर उन्होंने एक नया जीवन और एक नई पहचान दी। उन्हें नोबेल पुरस्कार और हार्वर्ड ह्यूमैनिटेशन जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी जो आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं, आज के दिन साल 1954 को उनका जन्म हुआ था। बचपन बचाओ जैसे बड़े आंदोलन की उन्होंने नींव रखी और कई ऐसे बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्ति दिलवाई। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।